बिहार विधानसभा चुनाव में कई युवा चर्चा में, चिराग पासवान से लेकर तेजस्वी यादव तक में लोग बिहार का भावी मुख्यमंत्री देख रहे हैं। इनके अलावा इस चुनाव में कई युवा चेहरा ऐसे हैं जो भविष्य में बिहार की राजनीति का बड़ा चेहरा बन सकते हैं। इनमें से कई अभी तक अविवाहित हैं। तो आइए डालें इन चेहरों पर एक नजर। चिराग पासवान लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष हैं। पिता रामविलास पासवान के निधन के बाद पार्टी की सारी जिम्मेदारी इन्हीं पर है और ये अभी तक अविवाहित है। तेजस्वी यादव राष्ट्रीय जनता दल की ओर से सीएम के चेहरे हैं। तेजस्वी यादव 31 साल के हैं। क्रिकेटर से पॉलिटिशियन बने तेजस्वी यादव लालू प्रसाद के सबसे छोटे बेटे हैं और अभी तक कुवाड़े हैं। तेजस्वी यादव ने एक इंटरव्यू में कहा था कि चिराग पासवान और निशांत कुमार की शादी के बाद ही वह शादी करेंगे। आपको बता दें कि निशांत कुमार बिहार के सीएम नीतीश कुमार के बेटे हैं। निशांत कुमार नीतीश कुमार की इकलौती संतान है और अविवाहित है। हालांकि वह अभी राजनीति में नहीं है, लेकिन उनकी चर्चा भी राजनीति में अक्सर होती है। BIT मेसरा से पढ़े पेशे से इंजीनियर निशांत का झुकाव शुरू से ही अध्यात्म की ओर अधिक था। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि उन्हें ना तो राजनीति में दिलचस्पी है और ना ही इससे जुड़ी अधिक जानकारी उनके पास है। यही वजह है कि पॉलिटिक्स और मीडिया दोनों से ही दूर रहते हैं। प्लूरल्स पार्टी के अध्यक्ष पुष्पम प्रिया चौधरी भी अभी तक अविवाहित है। लंदन से पढ़कर लौटी पुष्पम प्रिया ने राजनीति में एंट्री ली है। उनके पिता विनोद चौधरी JDU से MLC रहे। श्रेयसी सिंह दिग्गज नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे दिग्विजय सिंह की बेटी है। दिग्विजय सिंह कभी बांका जिले के संसदीय सीट का प्रतिनिधित्व लोकसभा में करते थे। उनकी माँ पुतुल कुमारी सांसद रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर की 29 वर्षीय शूटिंग चैंपियन श्रेयसी सिंह ने अभी तक शादी नहीं की। अब बात करते हैं लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप की। तेज प्रताप यादव की यूं तो शादी हो चुकी है, फिर भी वो करीब करीब सिंगल है। दरअसल साल 2018 में तेज प्रताप यादव की शादी चंद्रिका राय की बेटी ऐश्वर्या से हुई। शादी के कुछ महीनों के बाद ही दोनों में अलगाव सामने आने लगे। फिलहाल ऐश्वर्या तेज प्रताप यादव के साथ नहीं रहती हैं।